सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद हलचले तेज है, लेकिन जिस तरह से फैसला आया उस पर राजनेताओं का और वकीलों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। टाइम राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी उन्होंने शक्ति परीक्षण के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब को दिया था और टाइम कम करके फडणवीस सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए 27 नवंबर 2019 का शाम 5 बजे तक दिया है, उसमें उनको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करना है और वो प्रोटेम स्पीकर ही मेंबर को शपथ दिलवाए गए और ये पूरी कार्यवाही कल शाम 5 बजे के पहले खत्म करनी है, ऐसा आदेश माननीय राज्यपाल साहब को जो शीर्ष अदालत है उन्होंने दिए हैं। आज जो हमने प्रेयर की थी कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है बात। कल 11 बजे हाउस में सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, वो 5 बजे तक समाप्त होगा और तुरंत 5 बजे स्पीकर प्रोटेम फ्लोर टेस्ट कराएंगे, जो गुप्त मतदान से नहीं लेकिन ओपन वोटिंग से होगी और उसका सारा वीडियो चित्रीकरण किया जाएगा। ये एक कोर्ट सुपरवाइज्ड फ्लोर टेस्ट होगा। हम इस फैसले से तीनों दल पूरी तरह से संतुष्ट है। आज संविधान दिवस पर असली में संविधान की का सम्मान रखा गया है और आज देश में संविधान का महत्व सारी जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। नहीं नहीं, ये तो जरूर मॉरल विक्ट्री के साथ साथ में ये संवैधानिक विजय है, ये लोकतंत्र के दृष्टि से एक ऐतिहासिक फैसला है, जो सारे लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर भारत की राजनीति में हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वो इससे पूरी तरह से उनको एक करारा झटका मिला है और संविधान की रक्षा करने की दिशा में, विशेषकर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज का बहुत महत्व रखता है और भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करेगी। जो निर्णय आया है उसका हम आदर करते हैं। कल होने वाले बहुमत सिद्धता के लिए हम तैयार है, हम सदन में बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार निरंतर रूप से पिछले कई दशकों से संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसे स्पष्ट किया है। एसआर बोमाई जजमेंट 94 से लेकर फिर रामेश्वर प्रसाद हो, हरीश रावत हो, हर केस में स्पष्ट किया है कि फ्लो टेस्ट ही एकमात्र माध्यम है जिससे चुनाव जो संख्या है वो तय होती है सरकार। ये फैसला संतुष्ट करने वाला है, संविधान दिन है आज, संविधान की जो पायमल्ली की गई और जिस ढंग से ये सरकार बनाया मध्य रात्र में ये जो राष्ट्रपति राजवट हटाई, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी है इसी तरीके से, तो हम लोगों ने याचिका में मांग किया था कि 24 घंटे में आप फ्लोर टेस्ट करो, जो आमदार चुने हैं उसकी शपथ ग्रहण करो, प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट करो। ये तीन ही मुद्दा कोर्ट ने मान्य किया और यह सब लाइव हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा। यह सब मामला जो अभी कोर्ट ने निर्णय दिया वो हमारे लिए संतुष्टि की बात है। देश में ये दिशा दर्शक निर्णय रहेगा, ऐसे सरकार पायमल्ली करने के बाद अगर किया जाएगा तो फैसला क्या होता है ये कोर्ट ने आज बराबर। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की सीमा रेखा तय की गई है। ये एक रिकॉर्डिंग के तहत होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा,
और उससे पहले प्रोटर्म स्पीकर नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम किया है। कल 5 बजे असेंबली के लोग इकट्ठा होंगे, मेंबर्स, फ्लोर पे टेस्ट होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे देश ने देखा है कि 165 170 MLAs एक साथ कल इकट्ठा हुए थे 3 पार्टीज के झंडों के नीचे। उसके फोटो, उसके वीडियो पूरे देश ने अपनी आंखों से देखे हैं। इसके बावजूद अगर बीजेपी कहती है कि उसके पास अक्सरियत है, उसके पास नंबर है, इससे भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पता चलता है।